सब खत्म ही हो गया देश में और बाकी बचा भी है वो भी खत्म हो गया। आज देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि हिटलर शाही है। प्रधानमंत्री जी को कम से कम ये तो बताना चाहिए था कि जम्मू के विकास के लिए उन्होंने क्या कौन सा कारखाना लगाया, कौन सा निवेश लाया। एक भी युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप बताइए कि आप लोग कभी सुने हैं कि डायरेक्ट कोई मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया जाए। खुद के उनके हर जगह बिहार में प्रत्याशी जो है किसी ना किसी घराने से राजनीतिक परिवार के लोग ही। हमारे देश में दो दो मुख्यमंत्री को देश में जेल में डाल दिया गया है, लेकिन सिर्फ 5 किलो चावल देश में विकास नहीं है। झूठ और हवाबाजी कर रहे हैं आप, नफरत की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। तो एक बार भी परिवारवाद के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये भी मोदी जी का ही काम था, देश में 927 पार्टी को उन्होंने खत्म कर दिया। क्यों नहीं पलायन रोकते हैं, क्यों नहीं गरीबी मिटाए और कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार या नौकरियां दी, ये तो बताना चाहिए। प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी का नहीं सुनते हैं। सर सर जम्मू जा रहे हैं, सर जम्मू जा रहे हैं, जम्मू जा रहे हैं, चुनाव प्रचार आज शुरू हुआ है। हम लोग का जम्मू ही है, प्रचार है और हम लोग जो है जनता के बीच अपनी बात को रखेंगे। जो लोग भी झूठ और हवाबाजी कर रहे हैं, हकीकत तो सच्चाई जो है जनता के बीच हम लोग रखेंगे। और आप लोग जान रहे हैं जम्मू जब प्रधानमंत्री जी गए तो एक बार भी परिवारवाद के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि खुद के उनके हर जगह बिहार में प्रत्याशी जो है किसी ना किसी घराने से राजनीतिक परिवार के लोग ही, तो उसने वो नहीं बोले। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को कम से कम ये तो बताना चाहिए था कि जम्मू के विकास के लिए उन्होंने क्या कौन सा कारखाना लगाया, कौन सा निवेश लाया, क्यों नहीं पलायन रोकते, क्यों नहीं गरीबी मिटाए और कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार या नौकरियां दी, ये तो बताना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 10 साल में जो कार्य हुआ है वो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। 10 साल में जो कार्य हुआ है वो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। सब खत्म ही हो गया देश में और बाकी बचा भी है वो भी खत्म हो गया। लालू जी पे वारंट जारी हुआ है, क्या कहें? महागठबंधन में शामिल हो गए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज हम लोग महागठबंधन इंडिया गठबंधन के लिए हम लोग प्रचार पर निकल रहे हैं और मजबूती से शानदार। आपने देखा कि पिछले कई सालों से लगातार हम लोग 10 साल से अपने समाज के बीच में हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और खास करके अति पिछड़ा में निषाद समाज के सभी उपजाति में एक हमारी पहुंच बनी है और पूरा उत्साह के साथ मजबूती से VIP पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए, अपने हक अधिकार के लिए। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी का नहीं सुनते हैं, जो उनके मर्जी मन आते हैं वही करते हैं। आप एक भी कोई भी व्यक्ति अपने दिल पे हाथ रख कर सोचिए कि ये देश में लोकतंत्र है या राजतंत्र है। आज देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि हिटलर शाही है। आप बताइए कि आप लोग कभी सुने हैं कि डायरेक्ट कोई मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया जाए? हमारे देश में दो दो मुख्यमंत्री को देश में जेल में डाल दिया गया है, एक भी युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। अग्निवीर के तहत 4 साल पर रिटायरमेंट किया जा रहा है। सिर्फ 5 किलो चावल ही आज नरेंद्र मोदी जी समझ रहे हैं कि विकास है, लेकिन सिर्फ 5 किलो चावल ही देश में विकास नहीं है। हर एक व्यक्ति का अच्छा कपड़ा पहनने का उनका अधिकार है, उनके अच्छे बच्चे अच्छे स्कूल में जाके पढ़े उसका अधिकार है, वो बेहतर ज़िंदगी जिए वैसा अधिकार है। आप बताइए कि 5 किलो चावल में हमारे देश को सीमेंट में रख दिया है और सोच रहे हैं कि 5 किलो चावल दे रहे हैं लोग हमें वोट देंगे, तो देश के युवा को कहीं ना कहीं आज देखिए कि कहां तक पहुंचा दिया। रोजगार नहीं है, उन्होंने कहा था कि हम आएंगे और हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। आप बताइए कि साल में 2 लाख भी नौकरी मिला क्या? अगर 2 लाख भी मिल जाता तो आज 10 साल हुआ तो 20 लाख नौकरी मिलता, यहाँ 20 करोड़ की बात कर रहे थे। तो मोदी जी कहीं पे भी नहीं है। आज हम लोग क्या मांग कर रहे थे कि निषाद समाज को आरक्षण दीजिए, क्योंकि बरसों से हमारा समाज बहुत पिछड़ा है, गरीब है, कुचला हुआ है। आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं? जब देश एक है, संविधान एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? और आपने कई बार आपने वादा किया कि हाँ हम आपका काम करेंगे, तो हमें नरेंद्र मोदी जी से लड़ाई नहीं है, हमें भारत सरकार से लड़ाई है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे उसका गरिमा को मानिए और जिसको देश में जिसका भी समस्या हो
चाहे वो एससी एसटी ओबीसी तमाम हर जाति धर्म के लोगों के लिए, युवा के लिए काम कीजिए। आप नफरत की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा आने जाने से मुकेश। ठीक है, वो आज तानाशाह के जैसे जिंदगी जी रहे हैं, वो कोई फर्क नहीं, उनको लगता है कैसा नहीं पड़ेगा। इस देश में हिटलर भी नहीं रहा इस दुनिया में, तो अभी उनके पास इतना शक्ति है, जो जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि सत्ता पावर में आके ऐसे पावर को दुरुपयोग करना चाहिए। आज उनके पास है, पैसा है, धन बल है, ताकत है, ईडी सीबीआई है, जिनके मर्जी फर्जी केस बना के उनको जेल में डाल देना। आप बताइए ना कि ये लोकतंत्र में सही है? आपने आपने अभी बॉन्ड के जरिए पता चला, आपने देखा कि किस तरीके से चंदा ले रहे हैं, अपने आप को हिंदूवादी राजनीति करते हैं, हिंदू कहते हैं, और गौ मांस खंडी से पैसा 250 करोड़ रुपया चंदा लिया। आप काम के बदले में पैसा लेते हैं, ईडी का पेपर दिखा के हजारों हजार करोड़ रुपया लेते हैं, काम दे के लोगों को वैक्सीन लगवा के लोगों से अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगा दिया और 2000 करोड़ रुपया कंपनी से अपने चंदा ले लिया। 3 सीट है उस पर कैसे उम्मीदवारी वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? उस पर अभी पार्टी स्तर पे आज सामने हमारी बैठक है कोर कमेटी का, उस पर हम लोग निर्णय लेंगे कौन कहाँ लड़ेंगे। हमारे लड़ाई सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, समाज में बदलाव लाने की है, और निश्चित तौर पर हमारी पार्टी को 3 सीट मिला है, तो 3 सीट पर हम लोग सभी जाति धर्म के लोगों को मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। और निश्चित तौर पर ये भी मोदी जी का ही काम था, देश में 927 पार्टी को उन्होंने खत्म कर दिया। वो बहुत प्रयास कर रहे थे कि मोदी जी की वीआईपी पार्टी भी खत्म हो जाए, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने मेहनत किया, चुनाव आयोग जितना बार जो पेपर मांगा हमने दिया, और हमने अपनी पार्टी बचाने में कामयाब रहा। हाँ, सिंबल उन्होंने एक गलत तरीके से सिंबल दूसरे पार्टी को अलॉट कर दिया, अभी हमारे पार्टी को दूसरा सिंबल उन्होंने अलॉट किया है, लेडीज़ पर्स है। तो निश्चित तौर पे हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन एक न एक दिन जो तानाशाह है वो खत्म होगा और देश में वही राम राज्य स्थापित होगा, तानाशाह खत्म होगा। आज जमुई जा रहे हैं, हमारे प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।